करीब पौन घंटा नहा के आया हूँ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, झमाझम बारिश है, और जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही तो मैं ऊपर आया हूँ, पौन घंटा नहा के आया हूँ, पौन घंटा, और सच में मेरा आने का मन नहीं था, लेकिन सोसाइटी में पानी भरना शुरू हो गया था, फिर नीचे नाली का पानी जैसा काफ़ी आता, थोड़ी स्मेल आने लग गई थी, तो मैं आ गया था। आज मैं समझ लो इतनी कंटिन्यू जो बारिश हो रही है ना, बहुत कम होती है, एक स्पीड में झमाझम बूंदाबांदी होती है, लेकिन ये मेरी बालकनी पूरी गीली पड़ी है तभी कवर है, और देखो क्या झमाझम बारिश हो रही है। मोबाइल नीचे नहीं लेके गया था, आपको पता, फिर भीग जाता, ख़राब हो जाता, फिर मैं यूट्यूब भी नहीं बना पाता, खामा का यूट्यूब का बनाने के चक्कर में मेरे 35,000 के मोबाइल की, जो कि नया लिया है, उसकी धन पूछ जाती। सच में मौसम ये ज़बरदस्त मौसम, और देखो आप कहोगे अभी ये वाला टॉवल है जिससे मैंने पोंछा है, ये मेरा सुबह का टॉवल है, ये भी अभी सूखा नहीं है, और इससे अभी मैंने पोंछा है, दो टॉवल है मेरे पास एमरजेंसी के लिए, एक लाया हूँ, ये तो अभी दिल्ली से लेके आया, मैडम ने कहा था ले जाओ, बारिश हो गई तुम्हारा भरोसा नहीं, बारिश में घुस जाते हो तुम, तो लेके रख के लेके जाओ, और देखो काम आ गया, इसी बार लाया हो, तो बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। सच में वृंदावन में ना आके इतना सुहाना मौसम, मेरा मन बहुत अच्छा लगा लगा है, शुरू के 3 दिन नहीं लगा था, क्योंकि अचानक आप आओ, भले हमें ब्रश से प्यार हो, भले हमें उस स्थान से प्यार हो, हम जब उस स्थान पे आना चाहते हैं, लेकिन जब आप आते हैं सब कुछ छूटता है। 3 दिन तक मैं सोचने पड़ गया था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अब आ गया खाना कैसे बनेगा क्या नहीं, वो 3 दिन बाद सब खत्म हो गया, धीरे धीरे वृंदावन से इतना प्यार हो गया, प्यार तो था मतलब कुटिया से हो गया, मन रमने लग गया कि अब यहीं पर रहना है, तो वृंदावन के सिवा कोई दिखाई नहीं देता, राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। सच में 5 महीने हो गए, पता नहीं चला 5 महीने कैसे बीत गए मेरे फ्रिज में, इस कुटिया के अंदर 2 BHK की श्री जी ने दिए मेरे को, और बारिश झमाझम हो रही है, देखो खूब बारिश हो रही है, पानी को गिरना चालू हो गया, पानी थोड़ा पीछे हो जाओ और ये देखो क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। सच में ब्रज की ना बारिश का आनंद ही अलग है, भी सावन में। और एक बात और बताऊँ, जिस किसी को भी दाने वगैरह होते हैं ना, ये प्योर वाटर होता है, ये मैं क्लिपिंग बना रहा हूँ ना, इसका उद्देश्य ये आपको बताऊँ, ये बारिश जो होती है ना, इसका भी प्योर वाटर होता है, इसमें नहाना चाहिए, तो बॉडी की सारी ना जितनी गंदगी होती है सब निकल जाती है, फैटी लीवर, किडनी, फेफड़े, जो इन्फेक्शन होता है ना, जो गर्मी के हमारे अंदर इफेक्ट कर चुके होते हैं, वो गर्मी सारी निकल जाती है, क्योंकि सबसे शुद्ध पानी होता है बारिश का, प्योर, इतना प्योर RO का क्या, इस धरती पर कोई पानी नहीं, सबसे प्योर शुद्ध पानी गिरता है, तो इसमें नहाना जरूर चाहिए, चाहे जिसको दाने निकल रहे हो ना निकल रहे हो। मेरे को तो काफ़ी इन्फेक्शन हो गए थे, तो अब तो ठीक हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी हो आपको दाने निकले ना निकले, गर्मियों के अंदर मूसलाधार बारिश जब भी हो, पहली बारिश छोड़ देना, क्योंकि धरती का तापमान निकलता है और गर्मी होती है, एक दो बारिश निकलने के बाद जो उसके बाद जो भी मूसला बारिश होना, खूब नाओ, आधे घंटे खूब नाओ, पतले कपड़े पहन के खूब नाओ खुले में, बारिश में, सच कह रहा हूँ, बॉडी पूरी अंदर से जितनी भी हीटअप है ना, जितनी किडनी, फैटी लीवर वगैरह, जो भी हार्ट लीवर, जो भी तुम्हारे गर्मी के मारे डिस्टर्ब हुए पड़े, सब क्लीन हो जाएंगे, सब बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, सही बता रहा हूँ मैं आपको, तो इस बात पे अमल करना, और इसी तरह मुझे मेरे इस चैनल पे श्री हरि का दास दीपक पे फॉलो करते रहना सच में अब तो शाम को लगता है जाना ही नहीं हो पाएगा, और दूध थोड़ा सा रखा हुआ है, और आज सुबह से गया नहीं, वरना मैं सुबह रोज़ 1 लीटर दूध लाता हूँ, कल का अभी तक अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अब उसकी चाय बना के पीऊँगा, अब देखता हूँ रात का क्या होता है, उम्मीद है बारिश अगर रुक जाए तो रात के लिए दूध लेके आऊँगी, क्योंकि रात को मैं हल्दी वाला दूध पी के सोता हूँ, जी हाँ, रात को मैं दूध गर्म करता हूँ, उसमें 2 चुटकी, ये मेरा नियम है, 2 चुटकी हल्दी वाला हल्दी डालता हूँ, और कौन सी, हमारी मैडम ने दी धर्मपति ने आमा हल्दी, ठीक है ना, प्योर हल्दी होती आमा, वो सब्जियों में नहीं डलती, 2 चुटकी डालो दूध में, गर्म करके उबाल लो चाय की तरह, फिर से उतारो, और दूध को तो आप खड़े होकर पियो, पूरे बॉडी में चला जाता है, उसको सिप सिप करते हुए घूमते हुए मैं पी जाता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो रात को सोते हुए एक नियम बना लो, खासतौर पर लेडीज़, क्योंकि आजकल उनको स्तन कैंसर, ब्रेन कैंसर, हार्ट फेल, लेडीज़ों को भी होने लग गया, ठीक है, खासतौर पर उनके हार्ट में ब्लॉकेज होने लग गई, तो जितना हो सके आप हल्दी वाला दूध पियो। और एक चीज़ और बताता हूँ, घिया होता है हर एक के अंदर, जैसे कहते हैं अब लौकी, जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक कष्ट है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एक गिलास कांच का छोटा या एक कप जो चाय का होता है, उतना जूस रोज निकाल के उसमें अपने स्वाद अनुसार सेंधा नमक या काला नमक डाल लो, ठीक है, तुलसा जी डाल लो, नहीं हो तो धनिया पुदीना स्वाद अनुसार डाल के पी जाए करो,
ये आपकी सारी ब्लॉकेज खत्म कर देगा, ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा उनको, तो सिर्फ ये है कि हार्ट पेशेंट आया सीना चीर दो, नहीं तो स्टंट डाल दो, नहीं तो सीना चीर, जैसे पड़ जाए, क्योंकि आज की तारीख में कम, पहले कहते हैं ना भगवान का दूसरा रूप धरती पर डॉक्टर है, आज का कमाई का लूटने का पहला नहीं दूसरा जो भी रूप मान लो डॉक्टर है, उन्हें बस पता चलना चाहिए, पेशेंट आना चाहिए चाहे वो कैसा भी हो, कैसे भी ऐसी कम तैसी करा के लाया है, वो बंदा लेके आता है क्योंकि उसकी बीवी की डिलीवरी होनी होती है या माँ बाप की कोई होती है, डॉक्टर को बुरा लगे तो लगे, ये कड़वा सच है, ये धंधा हो गया, अभी सेवा नहीं रही, डॉक्टर ही धंधा हो गया। तो भाई ऐसे में मैं एक बात बोलता हूँ, ये डॉक्टर नहीं बताएंगे, जितना हो लौकी का जूस, घी का जूस पी करो सुबह खाली पेट, रोज पी लो आधा कप, उसके अंदर अपने सर्वरा सेंधा नमक और अपनी रसोई से दो चीज़ निकाल दो, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड हटा दो, चीनी हटा दो, और ये सफ़ेद नमक खराब कर देगा, सेंधा नमक में आयोडीन होता है, बॉडी के हिसाब से नेचुरल होता है, ठीक है, और जो वाइट वाला नमक होता है ना वो घातक होता है, और वाइट वाला नमक इतना घातक होता है कि आपको कुछ भी बीपी को बढ़ाने में समय नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अनुरूप नहीं, समुद्र से निकाला जाता है, और उसको पूजा में भी वर्जित कहा गया, हमारे वो शुद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि समुद्र के पानी में जितने भी जानवर होते हैं वो मरते हैं, उनकी हड्डी भी गल जाती है, इसलिए वो शुद्ध नहीं है, इसलिए जितने भी व्रत रखते हैं उपवास रखते हैं वाइट नमक को इस्तेमाल ना करें, सेंधा नमक का करें, वाइट नमक को निकाल ही दो, रिफाइंड निकाल दो, वाइट नमक रिफाइंड और चीनी, आपको बता दूँ ये चीनी को जो वाइट बनती है ये जानवर की हड्डी के साथ, इसके साथ हड्डी का रस रंग इस पर चढ़ता, चीनी इसमें नहीं आती वेजिटेरियन में, ये इसका रंग चढ़ाने के लिए ना ये जानवर की हड्डी के साथ इसका मिश्रण होता है, तब जाके ये चीनी वाइट बनती है, तो ये वेजिटेरियन में नहीं आती, ये भी याद रखना, दास दीपक आपके हित की बात कर रहा है, तो इस वीडियो को बहुत पॉजिटिव लेना, रात को नियम बना लो कि सोते वक्त गर्म दूध पीना है, और मैं आपको अपनी किचन में दिखाऊं तो मैंने अभी से 2 गिलास पानी के तांबे के भर के रखे हैं जो मैं अगले दिन गर्म करके पीता हूँ, आप यकीन नहीं मानो, चलो मैं आपको चलते चलते ये भी दिखाता हूँ अपनी किचन में, मैंने अपनी किचन में सुबह ही ये काम कर देता हूँ, देखो चल के मेरे साथ, ये मेरी किचन आ गई, ये देखो ये 2 गिलास पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, और ये सुबह पानी गर्म करने की केतली भी है, ठीक है, वरना मेरे पास छोटी गैस भी है, ठीक है। तो सुबह उठकर मैं खाली पेट बासी मुँह, बासी मुँह क्या करता हूँ, अपने फ्राई पैन में पानी लिया या केतली में 2 गिलास डाल दिए, गर्म कर लिया और बैठ के घूट घूट करके पीता हूँ, खाली मुँह पीता हूँ, बासी मुँह, सॉरी, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे लार पे इतने एंटीबायोटिक होती है, इतनी औषधियाँ होती हैं कि हमें कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं, यही कमाल करते, क्योंकि हमारे लार के अंदर ये औषधि जब खाली पेट जाती ना हमारी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देती हैं, बीमारी से रहित कर देती हैं, मतलब पूरे फिल्टर कर देती हैं, ठीक है। तो दास दीपक की बात मान्य करो, मानना ना मानना आपके ऊपर है, मैं अपनी बात रखता हूँ क्योंकि आप थोड़े बहुत हो जो मुझे अपना मानते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मैं ज्ञानवर्धक ऐसी बात बताऊँगा आपको, तो जो भी भक्ति मार्ग में मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऐसी अच्छी बातों के लिए। फिर बता रहा हूँ गर्मी में जरूर नहाया करो, बारिश दो तीन बार नहाया करो, जिनके फोड़े फुंसी नहीं होते वो भी नहाया करो, ना जाने कब गर्मी निकल जाए, और जिनके फोड़े फुंसी वो तो जरूरी नहाया करो, रात को सोते हुए हल्दी वाला दूध पिया करो, सुबह उठ के खाली पेट गुनगुना दूध, हो सके तो बैठे जैसे हम लैट्रिन में बैठते हैं ना हिंदी वाली, ऐसे उखड़ू बैठ के पियो, नहीं बैठा जाता तो कुर्सी पे बैठ के, लेकिन 2 गिलास पानी वो भी घुट घुट सिप सिप करके पीना, तेज़ी से नहीं पीना है, चबा चबा के, शास्त्रों में लिखा है भोजन पानी की तरह लेना चाहिए और पानी खाना चाहिए, जैसे बंगालियों बोलते जौल खावी, जौल खावी मतलब पानी को आराम आराम से पियो तो फायदेमंद है, और खाने को पानी की तरह पियो, मतलब इतना चबा चबा के 40-45 इतना पतला कर लो कि पानी की तरह हो जाए, पेट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आराम से डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसी अच्छी बातों के लिए मुझसे जुड़े रहेगा, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए वृंदावन की पावन धरा से दास दीपक की आप सभी को रिमझिम बारिश में प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम।